के बारे में हमको जानना है, दिवालिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, वह व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो जाते हैं एवं वह अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है, उसे दिवालिया कहते हैं। अब सरल शब्दों में बताऊं तो जिसका दायित्व मतलब जिसके पास उधारी ज्यादा है और उसके पास कमाई कम है, उसका संपत्ति कम है, समझ सकते हैं, मतलब जिसके पास संपत्ति कम है और दायित्व ज्यादा है, मतलब वो जो व्यक्ति है वो दूसरों से इतना उधार ले चुका है कि उसके पास उस कर्ज को छूटने के लिए उसके पास जितना भी धन दौलत है वो कम पड़ जा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, दिवालिया कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसके पास उतनी संपत्ति ही नहीं है, उससे ज्यादा वो क्या कर लिया है, कर्ज ले लिया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उस व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डूबत ऋण के बारे में कल पढ़ लिए थे, उसके बाद फर्म के बारे में भी हमने पढ़ा है कि व्यवसायिक कार्य में जितने भी संलग्न व्यापारिक इकाइयां हैं वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। फिर हम आगे चलेंगे प्रविष्टि, तो प्रविष्टि क्या है, तो हम पहले इस शब्द को पढ़ लेते हैं। किसी भी सौदे को हिसाब किताब के पुस्तकों में विधिवत लिखना ही प्रविष्टि करना कहलाता है। अब देखिए यहां पर दो चीजें आ गई आपके पास कि किसी भी सौदे को, किसी भी सौदा मतलब आपके व्यापार में जो भी लेन देन हो रहा है, चाहे वो क्रय हो विक्रय हो, उधार में कोई सामान बेच रहे हैं, चाहे उधार में कोई सामान खरीद रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का हो, नमूना के रूप में किसी को माल दान में दे रहे हैं, नमूना के रूप में दे रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, तो उसको क्या करते हैं, हम अपने हिसाब किताब की बहियों में उसको हमको विधिवत रूप से लिखना पड़ता है। तो विधिवत रूप से जिसको लिखते हैं, विधिवत मतलब नियम के अनुसार, जो लेखा कर्म की जो पद्धति है, नियम कानून है, उसके आधार पर जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम विधिवत लिखना, उसी विधिवत लिखना ही क्या कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। प्रविष्टि मतलब एंट्री करना किसी भी चीजों को, किसी भी व्यवहार को हिसाब किताब की बहियों में, बहियों मतलब होता है जो भी हिसाब किताब के देखे होंगे आप दुकानदार के पास, किसी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार के पास एक लाल कलर की बही होती है, उस लाल कलर की बही, उस लाल कलर की पुस्तक जो है उसी को हम लेखा बही कहते हैं। वो केवल एक ही लेखा बही नहीं होता, उसके पास अनेक प्रकार के लेखा बहियां होती है, जैसे क्रय का हो सकता है, विक्रय का हो सकता है, उसके बाद खाता बही भी हो सकता है। वो अपने व्यापार के सुविधा के दृष्टि से वो अपने लेखा जोखा रखता है, तो किसी के बड़ा व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर उसको तैयारी करके रखना पड़ता है, लेखों का संधारण बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर करना पड़ता है, और जो छोटे स्तर का व्यापारी है वो केवल एक बहियों से भी काम चला सकता है। तो आप देखे होंगे लाल कलर की पुस्तक या फिर उसके पास बहुत सारी डायरिया रहती है, बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, बुक रहते हैं, उन सब बुक में वो क्या करता है, अपने व्यवहार को लेखा करता है। यही जो पुस्तक है, यही जो कॉपी है, उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं, बहिया कहते हैं, डायरी को ही बहिया कहा जाता है। तो इन बहियों में क्या करते हैं, प्रविष्टि करने का काम किया जाता है। फिर हम चलते हैं खाता, खाता क्या है, इसको इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी एवं संस्था, वस्तु संपत्ति, आय व्यय, लाभ अथवा हानि का विधिवत लेखा करने के लिए एक शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है उसे खाता कहते हैं। यह तालिका दो भागों में विभाजित होती है, नामे और जमा। आपको समझना है खाता जो है दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक नामे और एक जमा। इसको हम नामे को विकलन कहते हैं और जमा को समाकलन कहते हैं। आगे हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है खाता के लिए। एक विकलन पक्ष होता है, एक समाकलन, इसी को हम नामे कहते हैं और दूसरे को जमा को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। नामे को डेबिट कहते हैं इंग्लिश में और जमा को क्रेडिट कहते हैं। तो इन तीनों चीजों को आपको जानना है, नामे मतलब विकलन, जमा मतलब समाकलन, नामे मतलब डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट। इन दो चीजों को आप जानिए पहले। दो भाग होते हैं तालिका के, खाता में दो भाग होते हैं, एक विकलन पक्ष होता है, एक समाकलन पक्ष होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, वस्तु संपत्ति, आय व्यय, लाभ अथवा हानि का विधिवत लेखा करने के लिए एक शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे खाता कहते हैं।
एक शीर्षक के अंतर्गत। आगे मैं विस्तार से इसके खाता के बारे में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल इन शब्दों को आप समझिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं नामे ओम जमा। नामे ओम जमा, देखिए मैंने बताया हूँ नामे को क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए नामे को डेबिट, नामे डेबिट, और यहाँ पर जमा मतलब क्रेडिट। तो यहाँ नामे ओम जमा, डेबिट एवं क्रेडिट। तो प्रत्येक खातों में दो भाग भाग होते हैं, दो भाग में विभक्त किया गया है प्रत्येक खाता को। एक भाग होता है नामे और दूसरा भाग होता है जमा। नामे मतलब डेबिट और दूसरा भाग जमा मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक खाता दो भाग में विभक्त होता है। खाते के बाएं पक्ष को नामे, खाते के बाएं पक्ष आपको जानना है, आपके खाते के जो बाएं पक्ष होता है वो नामे मतलब विकलन होता है, और दायां पक्ष क्या होता है, समाकलन होता है, समाकलन कहते हैं। लेखा पुस्तकें, बुक ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें। तो व्यापारिक सौदों को विधिवत जिन पुस्तकों में लिखा जाता है उन पुस्तकों को हम क्या कहते हैं, लेखा पुस्तकें कहते हैं। आपको इसको जानना है कि व्यावसायिक जो भी सौदे हैं, व्यापारिक जो भी सौदे हैं उनको किसमें लिखते हैं, एक निश्चित पुस्तकों में विधिवत रूप से लिखा जाता है। तो उन पुस्तकों को हम क्या कहते हैं, लेखा पुस्तकें कहते हैं। आपको इतने को पहले समझना है, शुरू से लेकर सबसे पहले है लेखांकन, लेखाकर्म, पुस्तपालन, वित्तीय लेखांकन, पेशा, व्यावसायिक सौदे, प्रमाणक, लागत लेखांकन, व्यवसाय, व्यापार, ऋण, दिवालिया, डूबत ऋण, फर्म, प्रविष्टि, खाता, नामे एवं जमा, लेखा पुस्तकें। ये क्या है, इन शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका उपयोग बार बार, ये चीज़ें बार बार आपके पाठ्य पुस्तक में आएंगी, और आपको इन चीज़ों को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद हम विषय में प्रवेश करेंगे। आपको इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बताऊँगा कि क्या हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषय प्रवेश, यहाँ पर आवश्यकता, प्रयास एवं संतुष्टि के घूमते चक्र ने अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, फलतः उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन संभव हुए हैं, उत्पादन की उन्नत प्रणालियों के विस्तार ने समस्त राष्ट्रों को आज आर्थिक विकास की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया है। अब व्यापार स्थानीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है, साख सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थानों के विकास तथा बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप ने आर्थिक समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। इस युग का प्रत्येक व्यावसायिक संगठन जो आकार में छोटा हो या बड़ा प्रतिदिन सैकड़ों व्यवहारों को संपन्न करता है। यदि सारे लेन देनों को सदैव याद रखना संभव होता तो लेखन क्रिया का महत्व उतना नहीं होता जितना कि आज है। लेखांकन की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए उत्पन्न हुई कि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रसिद्ध है कि पहले लिख पीछे दे और भूल पड़ी तो कागज से ले। आपको इसको पढ़कर सुनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको समझना है कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई। तो लेखांकन की आवश्यकता इसलिए हुई, प्राचीन काल में क्या होता था, व्यापार सीमित था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु जो है एक दूसरे की वस्तु को आदान प्रदान करके कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होते गया, मनुष्य की आवश्यकताएं जो है अनंत थी, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, और मनुष्य की आवश्यकताओं बढ़ने के कारण फिर उसकी जो इच्छा है वो बढ़ी, और बढ़ने की वजह से फिर धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र था, व्यापार का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया। एक जगह के निवासी दूसरे जगह के निवासी से लेन देन करना शुरू करने लगे। धीरे धीरे यह एक क्षेत्र विशेष से हटकर, एक क्षेत्र विशेष में सीमित ना रहकर सारे बहुत बड़े क्षेत्र में यह फैल गया। इस प्रकार फिर यह बहुत बड़े क्षेत्रों से यह देशों तक पहुंच गया, और देशों विदेशों में फिर लेन देन स्टार्ट। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी व्यापार जो है अन्य खाड़ी देशों से होता था। तो ये सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, और व्यापार के बढ़ने से उस पर
लेखांकन की प्रक्रिया का भी असर होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है तो उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है इसकी जानकारी के लिए एक विधिवत रूप से लेखांकन करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए फिर लेखांकन की आवश्यकता महसूस हुई और फिर जो भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अपने स्मरण शक्ति को सीमित पाते हुए उन्होंने अपने कागज और कलम के द्वारा अपना हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। और फिर इसी प्राचीन काल से ही यह कहावत प्रसिद्ध हुई कि पहले लिख पीछे दे और भूल पड़ी तो कागज से ले। तो ये जो है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है कि पहले लिख, मतलब कोई भी व्यापारी क्या करता है, सामान जब बेचता है तो उसको पहले क्या करता है, कागज में लिख लेता है, फिर उसके बाद देता है। और भूल पड़ी तो मान लीजिए कभी वो व्यापारी अगर किसी को उधार माल दिया और वो सामने वाला आकर के अगर बोलता है कि मैंने तो नहीं 500 का सामान नहीं लिया था, 200 का सामान लिया था, उस स्थिति में क्या होगा? तो उसके पास, व्यापारी के पास जो लिखा रहेगा उससे वो देख करके बता सकता है कि भाई उस दिन आपने इतना का सामान लिया था। तो इसलिए जो है ये कहावत प्रसिद्ध है कि पहले लिख पीछे दे और भूल पड़ी तो कागज से ले, क्योंकि व्यापारी का भी स्मरण शक्ति उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि उसके पास दिन में अनेकों लेन देन होते हैं और वो कितने लेन देनों को याद रखेगा, इसलिए वो कागज में एक नोट करके रखता है कि हिसाब किताब के बहियों में, तब वह जा करके जो है सभी लेन देनों को अच्छे से याद रख पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। अब धीरे धीरे ये जो है व्यापार के प्रकृति के अनुसार यह बढ़ता गया और आज जो है संपूर्ण विश्व में ये लेखांकन की प्रक्रिया जो है आज अपने आधुनिक स्वरूप पर है। आज कोई भी व्यापार ऐसा अछूता नहीं है जो बिना लेखांकन प्रक्रिया के संभव हो। आज जितने भी व्यापार हैं वो सब में लेखांकन प्रक्रिया के लिए, लेखांकन कार्य के लिए एक विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उस विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति कॉमर्स का ही छात्र होता है। कॉमर्स पढ़ा हुआ व्यक्ति ही हिसाब किताब की पुस्तकें अच्छे से मेंटेन कर सकता है, अच्छे से लेखांकन की प्रक्रिया को संपूर्ण ढंग से संचालित कर सकता है और सही ढंग से हिसाब किताब रख सकता है। इसलिए हमको आज के वर्तमान युग में लेखांकन का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी व्यवसाय हो उसके लिए बिना हिसाब किताब के अगर व्यापार कर रहा है तो उसमें कितना लाभ हुआ, उसकी हानि हुई, इसके बारे में वो नहीं जान सकता। तो उसको जानने के लिए उसको लेखांकन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। तो एक पढ़ा लिखा कॉमर्स का व्यक्ति आगे चल करके लेखांकन प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से करता है, उसमें उसकी एक विशेष योग्यता होती है, क्योंकि वो लेखांकन प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ पाता है, उन चीज़ों के बारे में उसके पास ज्ञान होता है। तो उन चीज़ों से वह क्या करता है, वो व्यापार के परिणामों को सुगमता से, सरलता से सामने प्रस्तुत कर सकता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यवसाय अपने धन को वस्तुओं के उत्पादन एवं क्रय विक्रय संबंधी व्यवहारों में विनियोजित करता है। विनियोजित करना मतलब लगाना। क्या करता है प्रत्येक व्यवसायी, व्यवसायी मतलब जो भी दुकानदार है या जो भी व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, वो अपने पैसे को क्या करता है, अपने धन को वस्तुओं के उत्पादन में एवं क्रय विक्रय संबंधी व्यवहारों में विनियोजित करता। विनियोजित करना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, लगाना। जैसे आप देखे होंगे कोई भी दुकानदार जब व्यापार में सामान कहीं बाहर से लाता है तो खरीद कर लाता होगा और वो अपने पैसे लगाता है, फिर उसके बाद उसको बेचता है तो उसको उससे लाभ होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अपना पैसा लगाता है, उसको विनियोजित करना कहते हैं। इस अपेक्षा के साथ कि एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर उसे वांछित प्रतिफल की प्राप्ति अवश्य होगी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। व्यवसाय की सफलता सामान्यतः निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित होती है जिन्हें लेखा पुस्तकों से प्राप्त किया जाता है। व्यवसाय में पहला देखिए, क्रय विक्रय की स्थिति क्या है, ये हमको लेखा पुस्तकों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है इसके बारे में
बताया गया है कि व्यवसाय में क्रय विक्रय की स्थिति क्या है, मतलब क्रय कितना हुआ विक्रय कितना हुआ, इसके जानकारी हमको इससे मिलती है लेखा पुस्तकों से। दूसरा, कितने व्यक्तियों को कितना रुपया देना है अथवा कितने से कितनी राशि लेनी है, मतलब कितने व्यक्तियों को कितना रुपया देना, मतलब हमने किससे किससे उधार माल खरीदा है तो उनको हमको भुगतान करना पड़ेगा, तो उसकी जानकारी यहां से मिलेगी। फिर कितने से कितनी राशि लें, हमने भी किसी किसी को उधार में अपना सामान दिया होगा तो उनसे भी हमको क्या मिलेगा, उसकी भी जानकारी हमको यहां से मिल जाएगी। फिर इसके बाद देखिए यहां पर है कि व्यवसाय में किन किन संपत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है और कि उनका वर्तमान मूल्य कितना है। किन किन संपत्तियों का प्रयोग, संपत्ति मतलब होता है आपका जो भी आपके पास भवन है, फर्नीचर है, वहाँ पर जितने भी स्थायी संपत्तियाँ हैं जैसे मशीन हो गया, भूमि, भवन, ये सारे चीज स्थायी संपत्तियों में, चल संपत्ति भी होते हैं, रोकड़ है, तो ये सारे चल संपत्तियाँ हैं, तो इन संपत्तियों को प्रयोग किया तथा उनका वर्तमान मूल्य कितना है। तो वर्तमान मूल्य जो स्थायी संपत्तियाँ होती है उसमें ह्रास लगता है और ह्रास लगने के पश्चात उसमें जो वर्तमान मूल्य होता है उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। आगे इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अभी केवल इतना ही जानिए। व्यवसाय में लाभ हो रहा है अथवा हानि, तो व्यवसाय में लाभ हो रहा है अथवा हानि जो है हमको लेखा पुस्तकों से ही प्राप्त होता है, ये समझ लीजिए। तो उपयुक्त सूचनाओं के साथ विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने व व्यवसाय के सफल संचालन के लिए व्यवहारों का समुचित ढंग से लेखा कार्य किया जाना आवश्यक है। आगे चलते हैं, बही खाता एवं लेखांकन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आपको समझना होगा कि बही खाता क्या और लेखांकन क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बही खाता। तो प्रारंभ में बही खाता एवं लेखांकन शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते थे, किंतु अब दोनों को अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में लेखांकन एक व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है जिसके अंतर्गत बही खाता निहित है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दोनों का विवेचन आवश्यक है। आप समझिए कि बही खाता क्या है। तो इस बही खाता और लेखांकन में अंतर है। बही खाता का मतलब होता है केवल हिसाब किताब की पुस्तकों में व्यापारिक सौदों को लिखना, बही खाता कहलाता है। लेकिन लेखांकन क्या है, लेखांकन जो है हिसाब किताब की जो पुस्तकों में व्यापारिक सौदों को लिखने से लेकर उनके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना, ये लेखांकन का कार्य है। आगे हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। देखिए बही खाता का अर्थ एवं परिभाषा। तो बही खाते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। वाणिज्य विषय में बुक कीपिंग का आशय हिसाब लिखने की कला से लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग से आता है हिसाब किताब की बहियों में व्यापारिक सौदों को लिखने की कला से है। बही खाते को क्या कहते हैं, पुस्तपालन भी कहा जाता है, ठीक है। बही खाते को क्या कहा जाता है, पुस्तपालन भी कहा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं, इसको आप घर पे पढ़ सकते हैं इस पुस्तकों में से, है ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात हम सरल शब्दों में देखते हैं परिभाषा। यह कहा जा सकता है कि बही खाता या पुस्तपालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके माध्यम से समस्त मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब, मौद्रिक व्यवहार, देखो यहाँ पर आ गया, समस्त मौद्रिक व्यवहार, मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा से संबंधित। मुद्रा हम किसको कहते हैं, रुपये पैसे, मुद्रा मतलब रुपया पैसा, मुद्रा को वित्त भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो मुद्रा मतलब मौद्रिक व्यवहारों को हिसाब किताब की पुस्तकों में नियमानुसार, नियमानुसार मतलब उसका जो नियम है बही खाता का, उसके आधार पर लिखना ही क्या कहलाता है, ये बुक कीपिंग या बही खाता, क्या बोलते हैं इसको, पुस्तपालन या बही खाता कहते हैं, जिससे कि लेखे रखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद चलते हैं लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। तो लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा में हमको देखना है कि लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, थोड़ा थोड़ा इसको मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए बता देता हूँ। तो लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, तो बही खाते के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना ही क्या कहलाता है, पुस्तपालन या बही खाता कहलाता है। किंतु केवल व्यवहारों को निश्चित पुस्तकों में लिखने से व्यापार के परिणामों और उसकी वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं, मतलब केवल पुस्तकों में लिख देने से ही उसका ज्ञान नहीं हो पाता।
आपको अगर जानना है तो उस उनका क्या करना पड़ेगा, उनका आप विश्लेषण करेंगे, संग्रहण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, सारांश तैयार करेंगे, तब आप जान सकते हैं। तो देखिए, एक निश्चित अवधि के परिणामों को जानने के लिए विभिन्न लेखों के संग्रहण, विश्लेषण तथा लेखों के सारांश तैयार करने संबंधी कार्य आवश्यक होते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने तथा सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। आपको समझना है कि बही खाते में क्या होता है, तो बही खाते में हम केवल व्यापारिक सौदों को क्या कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन केवल लिखने से क्या हम जान सकते हैं क्या कि व्यापार में लाभ हुआ कि हानि हुआ, कि किसको कितना रुपये देना है या लेना है, नहीं जान सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, संग्रहण, विभिन्न प्रकार के जो लेख हैं उनका संग्रहण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेखों का क्या करेंगे, सारांश तैयार करेंगे। सारांश तैयार करने संबंधी इन सभी प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं, हम लेखांकन कहते हैं। अतः व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने, वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग खाते की प्रकृति के अनुसार उनको वर्गीकृत करना है, बांटना है, उसके बाद उनका सारांश तैयार करने को ही क्या कहते हैं, हम लेखांकन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बहुत सारे परिभाषा दिए हुए हैं, तो परिभाषा को आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं। लेखांकन प्रक्रिया की अवस्थाएं में क्या क्या होता है, तो पहला जो है वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। लेखांकन प्रक्रिया में क्या होता है, वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं कि वह लेन देन किससे संबंधित है, उसकी हम पहचान करते हैं। उससे मतलब अगर कोई लेन देन मुद्रा से संबंधित है तब हम वो जो है हमारे वित्तीय सौदे के अंतर्गत आएगा। अगर वह मुद्रा से संबंधित, मुद्रा मतलब रुपये कौड़ी से संबंधित नहीं है तो वह वित्तीय सौदे के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है मापना, मापन करना। तो मापन का अर्थ होता है व्यावसायिक लेन देनों एवं घटनाओं को एक मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त करना। यदि किसी घटना को मौद्रिक रूप में परिमापन संभव नहीं होता है तो इसका लेखांकन नहीं किया जा सकता। आपको समझना है कि जिन चीजों को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जिन सौदों या लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापते हैं, उन्हीं को मौद्रिक घटनाएं या मौद्रिक सौदे लेन देन कहते हैं, और इनको ही लेखांकन की पुस्तकों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। बिना मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता। फिर है लेखों या विशिष्ट लेखों या प्रविष्टि करना। तो लेखों या प्रविष्टि करना में क्या होता है, व्यावसायिक जो भी सौदे हैं या घटना है उसको हम पहले पहचानते हैं और मुद्रा में उसको क्या करते हैं, उसको बदलते हैं। मतलब ये कितने का लेन देन है उसको हमको जानना होता है। फिर मुद्रा में मापे गए लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत अभिलेखन करना, प्रविष्टि करना कहलाता है। हम उसको क्या करेंगे, ये जैसे कोई व्यक्ति हमसे अगर सामान ले रहे, माल ले रहे 500 रुपये का लिया, तो हम लिखेंगे कि 500 रुपये का सामान अमुक व्यक्ति ने लिया। हमको पता ही नहीं है अमाउंट कितना का लिया है, तो सामान एक व्यक्ति ने इतना का सामान लिया कैसे लिख पाएंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि उसने कितना रुपये का सामान लिया है। तो बिना मुद्रा के हम उसको क्या बोलते हैं, वित्तीय सौदे या मौद्रिक सौदे नहीं कर सकते हैं। तो इसको मुद्रा में मापना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के इसके अकाउंटिंग कर सकते हैं, हम लेखांकन क्रिया कर सकते हैं, नहीं तो नहीं किया जा सकता। तो प्रविष्टि करना ही क्या कहलाता है, लेखा प्रविष्टि कहलाता है। प्रविष्टि करना मतलब लिखना ही प्रविष्टि करना का, ये लेखे सर्वप्रथम जनरल या रोजनामचा या सहायक पुस्तकों में किए जाते हैं। इसको भी आपको समझना है कि ये लेखे किसमें किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले एक जनरल होता है, जनरल मतलब होता है रोजनामचा। रोजनामचा इस नाम से स्पष्ट है, रोजनामचा। रोजाना का क्या होता है, एक पुस्तक होता है जिसमें रोजाना होने वाले प्रत्येक दिन के व्यवहारों को लिखा जाता है, जिसे रोजनामचा या जनरल कहते हैं। उसके साथ ही सहायक बहियां भी होती है। जैसे व्यापार अगर बड़ा है तो उसमें केवल रोजनामचा में लिखना संभव नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, जो भी व्यवहार प्रकृति ज्यादा होते हैं उनके एक अलग सेपरेट बही बना दी जाती है, उस पर क्या करते हैं, उससे संबंधित व्यवहारों को लिखते हैं।
वो सहायक बहियां कहलाते हैं। सहायक बहियां में मुख्य रूप से क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, ये सारे बहियां जो है इस सहायक बहियों के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? तो लेखों, लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान, एक समूह में छांटकर खातों में लिखा जाता है। खातों में लिखने को क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। ये खाते खाता बही नामक पुस्तक में बोले जाते हैं। वर्गीकरण करना मतलब क्लासिफिकेशन करना इंग्लिश में। तो हम जितने भी सौदे होते हैं उनका हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं। इन चीज़ों को मैं आगे और विस्तार समझाऊंगा, कौन कौन से किन कौन से प्रकृति के अंतर्गत हैं, उन सारे खातों को अलग अलग किया जाता है। फिर सारांश बनाना। तो लेजर में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी के पश्चात प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। देखो पहले क्या करेंगे हम, जब जो भी व्यवहार हो रहा है, सौदे हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं? दैनिक बही या रोजनामचम लिख देते हैं। जनरल में लिखने के पश्चात हम क्या करते हैं? उसको खाता बही में लिखते हैं। खाता बही में लिखने के पश्चात जो भी खाते खोले, जैसे हो सकता है रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, ये सब खाते हैं। तो रोकड़ खाता, क्रय खाता, विक्रय खाता, बहुत प्रकार फर्नीचर खाता, मशीन खाता इत्यादि बहुत प्रकार के खाते होते हैं। तो उन खातों का हम क्या करते हैं? लास्ट में उनका बैलेंस चेक करते हैं कि उनका बैलेंस कितना है। उन बैलेंस की क्या करते हैं? एक सूची बनाते हैं। उन सूची को क्या बोलते हैं? सारांश तैयार करना कहलाता है। तो सारांश में क्या होता है? सारांश से, तो इन शेषों से सारांश तैयार किया जाता है। सारांश में तलपट की सहायता से व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा एवं रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह आदि बनाना शामिल है। तो सारांश में क्या क्या होता है? तो पहला हम तलपट बनाएंगे, लाभ हानि खाता बनाएंगे, व्यापारिक खाता बनाएंगे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाएंगे, रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह, इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, जो भी लेखा एंट्री किए हैं, उनका क्या करते हैं? विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, कमी या वृद्धि का विश्लेषण, आय विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अनुपातों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है, जैसे चालू अनुपात, तरल अनुपात। तो इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। इसको आपको समझना है कि विश्लेषण करना मतलब एनालाइज करना, ठीक है, उसका विश्लेषण करना है किसी भी आंकड़ों का। उसके बाद है व्याख्या एवं निर्वचन। तो व्याख्या एवं निर्वचन में क्या होता है? विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर हम क्या करते हैं? कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि हमारे पास अगर लाभ हुआ या हानि हुआ तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको हानि हुआ, या ऐसा लाभ क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या काम किया जिससे हमारा लाभ और अच्छा हो सकता है। तो इन सब के पीछे हम क्या करते हैं? उसका व्याख्या करते हैं कि हमको किन किन कारणों से हमारे व्यापार में व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, किन कारणों से हमारा व्यापार पीछे चल रहा है, इन सब का क्या करते हैं? हम व्याख्या करते हैं, हम इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। विभिन्न प्रकार के रिपोर्टों का निर्माण किया जाता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त परिणाम क्या, क्यों और तथा कैसे रहे, और उपयुक्त दशाओं में विभिन्न और उपयुक्त दशाओं में भविष्य में क्या परिणाम होने की संभावना है। फिर है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को विश्लेषित एवं निर्वचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। क्या होता है? बड़ा व्यवसाय होता है तो हम क्या करते हैं? जो भी व्यापार के आंकड़े हैं, लाभ या हानि है, उसको हमको बाह्य प्रयोगकर्ताओं को, आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को उनको उपलब्ध कराना पड़ता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर व्यवसाय में, अगर बड़ा व्यवसाय है तो बड़ा व्यवसाय में जो है बहुत सारे व्यक्तियों का पैसा लगा होता है, तो वो पैसा क्यों लगाएंगे किसी व्यवसाय में? तो उसकी साख को देख करके व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है। तो इसके लिए जो है आंकड़े उपलब्ध कराना होता है, जिसके आधार पर वो अपना सुविचारित राय एवं विवेकपूर्ण निर्णय ले सकने में समर्थ होता है।
फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे लेखांकन की विशेषता। लेखांकन की विशेषता, लेखांकन की विशेषता में देखिए, लेखांकन की विशेषता, देखिए लेखांकन की विशेषता में क्या क्या है। तो उपयुक्त लेखांकन की उपयुक्त परिभाषाओं से इनकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला है लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। लेखांकन क्या है? विज्ञान एवं कला दोनों। कैसे है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लेखांकन विज्ञान, विधन ज्ञान है ना, किसी भी चीज़ों को अच्छे से जानना, ठीक है। और कला क्यों है तो इसको भी हम पढ़ेंगे। किसी भी कार्य को श्रेष्ठ ढंग से करना कला, अच्छा कला होता है। तो पहला लेखांकन विज्ञान एवं कला है, दूसरा है वित्तीय व्यवहार, तीसरा निश्चित पहियों का उपयोग, चौथा लेखांकन लेखा प्रणाली, पांचवा नियमित लेखा और छठवां वर्गीकरण और सातवां विश्लेषित करना एवं सारांश तैयार करना और व्याख्या निर्वचन एवं संप्रेषण करना इन चीज़ों को। तो पहले हम सबसे पहले लेखांकन की विशेषता में चलते हैं। लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लेखांकन विज्ञान है या कला अथवा दोनों। तो विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है होता है कि वि अर्थात विस्तृत और ज्ञान अर्थात जानना या ज्ञान प्राप्त करने से है। अतः किसी भी विषय में विस्तृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी विषय में क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिर है लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार को विस्तृत रूप से निश्चित क्रम में निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है। अतः लेखांकन क्या है? एक विज्ञान है, समझ रहे हैं। लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी वित्तीय व्यवहार, वित्तीय व्यवहार मतलब मुद्रा से संबंधित, पैसे रुपये कौड़ी से संबंधित जो भी व्यवहार है उसको क्या करेंगे हम? विस्तृत रूप में निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम मतलब उसका जो क्रम है उसमें निश्चित पुस्तकों में, जो भी पुस्तक में लिखना है उन निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है। अतः लेखांकन एक विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद कला का देखते हैं। तो कला का अर्थ है किसी कार्य को निश्चित रीति से करना, किसी कार्य को निश्चित रीति से करना क्या कहलाता है? कार्य, किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना भी क्या कहलाता है? कला कहलाता है। लेखांकन को जब पुस्तकों में लिखा जाता है तब उसका लेखा एक निश्चित क्रम में किया जाता है एवं निश्चित पुस्तकों में एवं नियमानुसार किया जाता है। अतः लेखांकन एक कला है, ठीक है। विज्ञान और कला के बारे में समझ गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं कला एवं विज्ञान दोनों। तो उपरोक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि लेखांकन का कार्य विस्तृत क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तकों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है, समझ रहे हैं। लिखेंगे क्रमबद्ध रूप से, निश्चित पुस्तकों में लिखेंगे और नियमों के अनुसार लिखेंगे, और इसी को लिखना को ही क्या कहते हैं? इस लिखने के कार्य को अच्छे ढंग से करना, सर्वश्रेष्ठ ढंग से करना ही क्या कहलाता है? कला कहलाता है। अशु क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, क्लियर है। तो आप समझ गए हैं कि लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि लेखा लेखांकन का कार्य विस्तृत क्रमबद्ध एवं निश्चित पुस्तकों एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। तो इसको आप समझिए। आगे को वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार, तो लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों एवं घटनाओं को लेखांकन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के हो, मतलब जो मुद्रा में जिसको व्यक्त किया जा सकता है या मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसी को केवल मौद्रिक व्यवहार मानेंगे और उसी का ही लेखांकन होगा। बिना मुद्रा के हम कोई भी व्यवहार का लेखांकन नहीं करेंगे, बिना मुद्रा के माप के। तो अर्थ हाँ, जो वित्तीय प्रकृति के हो अर्थात जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है जा सकता है, गैर मौद्रिक व्यवहार जितने जो गैर मौद्रिक व्यवहार कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो इसका लेखांकन नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर निश्चित पुस्तकें, तो हिसाब किताब की जो निश्चित पुस्तकें होती है उस पर लिखना ही क्या कहलाता है? लेखांकन। तो दोहरा लेखा प्रणाली, देखो व्यावसायिक सौदों को कुछ निश्चित पुस्तकों में लिखा जाता है, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में जनरल व लेजर और महाजन प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही, खाता बही आदि।
इसके और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। जनरल मतलब रोजनामचा और लेजर मतलब खाता बही, ठीक है। उसके बाद है लेखा प्रणाली। लेखा प्रणाली क्या है? तो लेखांकन में एक निश्चित प्रणाली के आधार पर लेखे किए जाते हैं। भारत में दो प्रणालियां अधिक प्रचलित है, अंग्रेजी लेखांकन प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली तथा दूसरा है महाजनी या भारतीय बही प्रणाली। ये दो प्रकार के प्रणाली है। तो हमको तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर एंट्री कैसे करनी है इसके बारे में पढ़ेंगे। महाजनी प्रणाली के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इसमें। तो पहला है आंग्र प्रणाली। यह प्रणाली विदेशी है, इसमें लेखे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। इस प्रणाली के तीन रूप होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरा प्रणाली और रोकड़ प्रणाली। इन तीनों के बारे में समझेंगे, लेकिन हमको जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली को ही विशेष रूप से पढ़ना है। इस प्रणाली में क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक जो सौदे होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को नामे बोलते हैं, दूसरा पक्ष को जमा। एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्या होता है, क्रेडिट होता है। यह जो है आधुनिक, यह प्रणाली जो है क्या है, आधुनिक तथा वैज्ञानिक है, अतः इसमें सर्वोत्तम प्रणाली माना गया है। इस प्रणाली को व्यापारिक पद्धति भी कहा जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। जबकि कहरा प्रणाली जो है सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा रोकड़ प्रणाली। तो हमको केवल दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में ही जानना है। दोहरा लेखा प्रणाली से ही हम अभी जितने भी अकाउंटिंग के चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में जितने भी आपके प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम व्यवहार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा आदि के बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं और आगे जो है नेक्स्ट में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में और चर्चा करेंगे। क्योंकि थ्योरी का जो सेक्शन है उसको आप लोग घर पर पढ़िए। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ और जो जो चीज़ें और हैं पुस्तक में उनको आप घर पे बैठ करके अच्छे से अध्ययन कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम सीधा चलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे। जैसे यहाँ पर देखिए लेखांकन चक्र, एक चीज़ों को देख लीजिए, लेखांकन चक्र कैसे चलता है, लेखांकन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हमको समझना है पहले लेन देन होता है। कोई भी व्यापारी क्या करता है, लेन देन करता है। लेन देन करने के पश्चात उसे किस में लिखता है, रोजनामचे में लिखता है। किस में लिखता है, रोजनामचा या पंजी में लिखता है। इसमें लिखता है रोजनामचा या पंजी या सहायक बही में। लिखने के पश्चात क्या करता है, वो खाता बही में खतौनी करता है। खाता बही में खतौनी करने के पश्चात वो क्या होता है, तलपट बनाता है। इसके शेषों से, खाता बही के शेष से क्या तैयार होता है, तलपट। और तलपट के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेन देन जो भी होगा उसका फिर रोजनामचा या पंजी या सहायक बही में एंट्री होगा। उसके बाद उसको फिर कहाँ एंट्री करेंगे, खाता बही में। फिर उससे क्या बनेगा, तलपट बनेगा। फिर उससे व्यापार, लाभ हानि खाते एवं चिट्ठा बनता है, ठीक है। इसको हम लेन देन जो है उसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, खाता बही में भी खतौनी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी जो है लेन देन को इसमें ना लिख करके, रोजनामचा या पंजी या सहायक बही में ना लिख करके क्या करता है, सीधा खाता बही में खतौनी कर देता है। तो यहाँ से खाता बही में खतौनी के बाद तलपट बनेगा, फिर व्यापार, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखांकन की प्रक्रिया। और यहाँ से हमको जो है व्यापार के क्या लाभ है, हानि है, ये सभी वित्तीय परिणाम जो है हमको इन चीज़ों यहाँ से मिलता है, व्यापार खाता से, लाभ हानि खाता से और चिट्ठा से मिलता है। सकल लाभ है, सकल हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, व्यापार में कितना संपत्ति है, कितना दायित्व, इन सब की जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है। आगे की चर्चा हम विस्तार से फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आपको अगर यह मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जो भी कक्षा 11वीं में है उनके साथ शेयर करें, ताकि उसको भी इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो बने तो आपके पास तुरंत वह नोटिफिकेशन में पहुंच सके। धन्यवाद।